कुछ नहीं होगा सूरज को, उसका मन बदलेगा। आज जो भी हुआ नहीं होता अगर सूरज भागा ना होता। आपने उसे सचेत भी किया था साई, लेकिन उसने सुना नहीं। अगर वो पुलिस की गिरफ्त में ही होता तो काका साहब दीक्षित जैसे बड़े वकील उसे जरूर छुड़ा लेते। तात्या, वो किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहता। उसने मान लिया है कि सारी दुनिया बुरी है और सब जगह नाइंसाफी ही हो रही है। वो समझता है हिंसा ही एकमात्र रास्ता बचा है इंसाफ पाने के लिए। पर साई, आपने शुरू से उसे समझाने की कोशिश की है, हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए भी कहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा। तुम्हें याद है श्यामा, जब तुम अध्यापक हुआ करते थे और तात्या छोटा था, तो एक बार इसे गणित बहुत कठिन लगने लगी थी और उस वजह से इसने गणित का अभ्यास ही छोड़ दिया था। अच्छे से याद है साई, जैसे ठान लिया था इसने कि गणित तो पढ़ना ही नहीं है। आए दिन गणित की कक्षा से पहले ही ये केशव को लेकर गायब हो जाता था। उसके बाद क्या हुआ ये भी तो बताओ सबको। एक दिन कक्षा में केशव वही गणित के सारे सवाल सही कर रहा था। ये देखकर तात्या को ऐसे लगा कि जब केशव कर सकता है तो शायद ये भी कर लेगा। उस दिन से इसने गणित में ध्यान देना शुरू कर दिया। इंसान कई बार दूसरों को देखकर सीखता है। साई, तुम कहना चाहते हो कि जैसे तात्या के सामने केशव का उदाहरण था, वैसे ही सूरज के सामने किसी को उदाहरण बनना पड़ेगा, ताकि सूरज को समझ आ जाए कि संसार में इंसाफ है बिना हिंसा के। लेकिन साई, सूरज के लिए कौन बन सकता है उदाहरण? वो इंसान जिसकी नियति से सूरज सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। ऐसा इंसान जो कहीं भी हो, सूरज उससे अलग रह ही नहीं सकता है। दादा, ये आपने क्या कर दिया? मैंने तो आपकी हर बात मानी, कभी अपनी इच्छाओं को आपसे या परिवार से ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन आपने हमारे बारे में सोचा भी नहीं। ऐसा कदम क्यों उठाया जिसके कारण आप परिवार से ही दूर हो गए? विशाल, तू नहीं मानेगा ना, भले ही कितना समझाऊं नहीं समझेगा। अभी भी तू यही सोच रहा है कि तू खिलाड़ी बनेगा। नहीं दादा, मैं ऐसा नहीं सोच रहा। नहीं क्या? तू यहाँ अभ्यास कर रहा है और कह रहा है नहीं दादा? नहीं, मैं अभ्यास नहीं, मैं ऐसे ही कसरत कर रहा था दादा। बहुत दिन हो गए थे, धावक बनने के लिए नहीं। विशाल, मैं तेरे भले के लिए ही बोल रहा हूं। सोचा था अगर किसी दिन दादा से एक और बार बात करूंगा, लेकिन सब खत्म हो गया हमारे लिए। साहब, आपको लगता है
सूरज अपने घर आएगा? मैंने सुना है कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, मिलना चाहेगा उनसे, या हो सकता है कि वो जरूर बताया होगा कि वो कहां छुपा हुआ है। सूरज कहां है? कहां है सूरज? हमें नहीं पता साहब। तलाशी लो। जी सर। साहब, दादा अभी तक घर पर लौटे नहीं है। आपको कुछ भी पूछताछ करनी है आप मुझसे कर लीजिए, लेकिन घर के बाहर आई की तबीयत अच्छी नहीं है साहब। हाँ, जिसका बेटा बागी हो, गुंडा हो, उसकी तबीयत तो खराब होगी ही ना। अरे अब सुना तुमने, तुम्हारा बेटा लोगों को मारता है, पुलिस पर हमला करता है, वो ये देख, लोगों के घर में घुस के तोड़फोड़ करता है। अभी तो वो फरार है, जानती हो कलेक्टर साहब का ऑर्डर है कि सूरज जैसे बागी को देखते ही गोली मार दी जाए। और सुन, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, या तो अपने बेटे को बोल कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, शायद जान बच जाए, नहीं तो अपने बेटे की चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दे। हेलो, साई क्या होगा हमारा? तुम्हारे भाई का उद्धार तुम्हारे ही हाथों होना है विशाल। मेरा पैसा कब देगा? मैं पैसा जरूर दे दूंगा, जब पैसा आएगा तो मैं जरूर दे दूंगा। हर बार तू यही कहता है। नहीं दे दूंगा। और तुम लोग? साहब, ये मेरा पैसा नहीं दे रहा है। ए, उसका पैसा दे रहे? दे दूंगा सर। हाँ, पैसा आएगा दे दूंगा। तो जाओ यहाँ से। दादा, बाहर पुलिस है, आपको नहीं आना चाहिए था। मुझे किसी का डर नहीं है। आई तू इससे पहले किसी और से कुछ सुने? मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। मैं गरीबों के हक के लिए लड़ रहा हूँ, बिल्कुल बाबा की तरह। मैं शायद आई आपको बाबा का नाम लेने से मना कर रही है दादा। तेरा बेटा गलत नहीं है, ये दुनिया ही गलत है। दादा आपको जाना चाहिए, इससे पहले पुलिस देख ले। जाइए दादा। आई, दुनिया मेरे साथ कुछ भी करे मैं सह लूंगा, लेकिन जो नहीं सह सकता हूं वो है तुम्हारा मुझसे दुखी होना, नाराज होना। ये क्या है साई? कोई चल तो रहा है, लेकिन उसे सही दिशा दिखाना जरूरी है। कौन?
ताई, मेरे सोने की माला लेके भाग गया वो चोर। साई, वो चोर। गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, बिल्कुल बाबा की तरह। मैं तौर से बाहर कर दिया गया, किस आधार पे? मैं तो विजेता हूं। सूरज, तुम्हें लाइन के अंदर दौड़ना था, तुम लाइन के बाहर चले गए थे, इसलिए तुम्हारी जीत नहीं मानी जा रही है। सर, मैं लाइन से बाहर नहीं गया था। लिसन, अपना गुस्सा यहां दिखाएगा तो आगे से किसी दौड़ में दौड़ने को नहीं मिलेगा। सूरज, तुम आओ मेरे साथ। सूरज, ये क्या कर रहे हो तुम? रेस में घोड़ों से हार भी जाते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? कम से कम अगले कंपटीशन में भागने का मौका तो मिलता तुम्हें। कुछ समझते ही नहीं हो सूरज। पर सर, मैं धावक बनना चाहता हूँ और बड़ी रेस में दौड़ना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, पर ये बेईमान गोरे झूठ बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ सूरज, तुम एक अच्छे धावक हो, इसमें कोई शक नहीं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तुम्हारे जैसा आज के तारीख में कोई नहीं। लेकिन एक बात कभी मत भूलना सूरज, कि तुम एक गुलाम देश के नागरिक हो। यहाँ सपने भी देखो तो ऐसे देखो जिनके सच ना होने से तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। अरे, नौकरी कर लो, खेती बाड़ी कर लो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर गोरों से बराबरी करने की कोशिश भी करोगे ना, तो पैरों में बेड़ियां तो लगनी ही हैं। कब तक ऐसे उदास रहेंगे? पता नहीं कब तक अन्याय सहना होगा मुझे, कब तक गोरे नहीं होने का जुर्माना भरना पड़ेगा, अपनी ही मातृभूमि में गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। क्या गलत कर रहा था मैं? दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए तो आवाज उठाई थी मैंने। बलवंत और कुलकर्णी ने हमारे कुछ मजदूरों को खरीद क्या लिया। मुझे तो लगने लगा है दूसरे मजदूर क्या समझ पाएंगे कि हम उनके लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं। हमें काम से निकाल कर क्या हुआ भाव? मिल तो फिर भी चल रही है ना, बलवंत और कुलकर्णी दोनों फायदे में हैं। तुम ठीक कह रहे हो, अगर यह मिल चलती रही तो हमें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। चोरी करता है? ये हमारे गांव का नहीं लगता है। कहाँ के हो तुम? मैं साकोरी से हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ले जाओ इसे, साकोरी गांव के मुखिया से कहना ये हमारे गांव में आके चोरी करता है। नहीं,
वाह विशाल, तुम तो हवा से भी तेज दौड़ते हो। हाँ विशाल, जैसे बिजली दौड़ रही हो तुम्हारे पैरों में। ये लीजिए काकी। शुक्रिया बेटा। विशाल, तुम तो बहुत अच्छा दौड़ते हो, अच्छे धावक बन सकते हो। जितनी तेजी से आज दौड़े उसी गति से दौड़कर देश का नाम रोशन कर सकते हो। साई, दादा के साथ हुई नाइंसाफी के बाद ये सब सोचने का मन भी नहीं करता, इसलिए मैं धावक बनने का सपना पहले ही भूल चुका हूँ। अच्छा, तो अकेले में सबसे छुपकर अभी भी अभ्यास क्यों करते हो? अपने भाई को अपने सपने के बारे में बताने से डरते रहे तुम। उसको खुद निराशा मिली थी, इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम उसी दिशा में आगे बढ़ो। लेकिन आपको कैसे पता? किसी एक ने उसके साथ बेईमानी की, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी दुनिया ही बेईमान है। और जानते हो विशाल, उसके मन से इस घाव को केवल तुम हटा सकते हो। तुम ही उसे हिंसा के रास्ते से वापस ला सकते हो। उसकी विचारधारा को तोड़ने के लिए तुम्हें दौड़ना होगा विशाल, धावक बनना होगा और जीतना होगा। क्योंकि सूरज को यह समझ आना जरूरी है कि पूरी दुनिया गलत नहीं है। प्रतियोगिता का एक पर्चा तुमने अपने अलमारी में छुपा के रखा है विशाल, तुम उस प्रतियोगिता में भाग लोगे विशाल, और उसे जीतकर तुम अपने भाई को वापस जीत पाओगे। सुरेंद्र दादा, कैसा है तुम? तुम्हारा चिंता में हम तो खाना पीना सब छोड़ दिया। हम सब यहाँ दर दर भटक रहे हैं इंसाफ के लिए लड़ते हुए, और तुम जिधर जान बची उधर पलटी। नाना, सुनो दादा, दोगला नहीं, मजबूर। हम सब मजबूरी में ही काम कर रहे हैं। हाँ, हम सब पर अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी है। किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों को पालना है, तो किसी को अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता है, और हमें हमें तो जैसे चिंताएं है ही नहीं। हमारे परिवार नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है, फिर भी लड़ रहे हैं नाम बेहतर कल के लिए। लेकिन तुम लोगों की कायरता से हमारी सारी मेहनत बेकार होती जा रही है। हम बाहर लड़ रहे हैं, लेकिन मिल का काम तुम लोगों की वजह से चलता जा रहा है। अब ये सब बंद करना होगा। आज से कोई भी मजदूर मिल में काम करने नहीं जाएगा। अब ये तुम लोगों पे निर्भर करता है कि अपनी खुशी से हमारा साथ दोगे या फिर हम जबरदस्ती करें। जो भी मिल जाएगा उसे हम अपना दुश्मन मानेंगे। कोई है यहां जो मुझसे दुश्मनी करना चाहता है? कायर नहीं है वही वीर है असली, अहिंसा का मूल्य समझने वाला।
अशक्त नहीं सशक्त वही है शांति के पथ पर निकलने वाला। बढ़ने लगे विवाद का जो महत्व इस संसार में, समझ लो कि डूब गई मानवता अहंकार में। धर्म तो कहता है कि हर अपराध भी अपराध है, उद्धार सिर्फ उसी समाज का है जहां विकल्प सिर्फ संवाद है। कायर नहीं है वही वीर है असली, अहिंसा का मूल्य समझने वाला। अशक्त नहीं सशक्त है वही है शांति के पथ पर निकलने वाला। रक्षा के लिए हाथ उठाओ ऐसा बल स्वीकार है, पर निर्बल का दमन करे उस ताकत से धिक्कार है। हिंसा से हिंसा ही बढ़ेगी, अंत में क्षति सभी की है। अहिंसा से जब बढ़े अहिंसा, उसी में सदगति भी सभी की है। कायर नहीं है वही वीर है असली, अहिंसा का मूल्य समझने वाला। अशक्त नहीं सशक्त वही है शांति के पथ पर निकलने वाला। वही वीर है असली, अहिंसा का मूल्य समझने वाला। अशक्त नहीं सशक्त वही है शांति के पथ पर निकलने वाला। ये तो मेरे बाबा की कविता है, आपको कैसे बता? हैरानी की बात तो यह है सूरज कि तुम ये कविता जानते हुए भी इसके मर्म को भूल चुके हो, उन आदर्शों को भूल चुके हो जिनसे एक कविता सींची गई है। सवाल यह नहीं कि यह मुझे कैसे पता है, सवाल यह है कि तुम इन आदर्शों पर अमल कब शुरू करोगे। सवाल यह है साईं कि इन आदर्शों पर चल के बाबा ने क्या पाया? अहिंसा के लिए जीते थे ना वो, उनके साथ जो हिंसा हुई उसमें उनकी मृत्यु हुई। मर के भी अमर है वो सूरज। कहा कौन जानता मेरे बाबा को, उनके आदर्शों को? वो जानते हैं जिनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण थे, तुम्हारी आई और विशाल। उनके मन में, उनकी स्मृतियों में वो आज भी एक नायक के रूप में, एक आदर्श पुरुष के रूप में जिंदा है। क्योंकि जब संकट आया तब उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं अपने प्राणों को त्यागने का चुनाव किया। हां सूरज, वो जीवित हैं और तब तक रहेंगे जब तक तुम्हारी आई और विशाल दोनों तुम्हारे पिता के आदर्शों को अपने दिल में पूरी आस्था के साथ रख के जीते रहेंगे। दुखद ये नहीं है कि हजार लोगों को वो याद नहीं है, दुखद तो ये कि तुम उनके बेटे होकर भी उनके दिखाए रास्ते पर चलना नहीं चाहते हो। आपसे बातों में नहीं जीत सकता साईं, लेकिन अपना रास्ता मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता हूं। गलत होता देख शांत तो मैं भी नहीं रह सकता हूं, पर इसीलिए आया हूं, तुम इन मजदूरों को धमका कर इनके साथ गलत कर रहे हो। सबको मिल छोड़ने जा रहा हूं,
तुम चाहो तो मुझे मार कर इन सबको रोक सकते हो सूरज, उसके साथ बेईमानी की, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी दुनिया ही बेईमान है। और जानते हो शर, तुम ही उसे हिंसा के रास्ते से वापस ला सकते हो। उसकी विचारधारा को तोड़ने के लिए तुम्हें दौड़ना होगा विशाल। जानते हो साईं ने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे फिर से दौड़ना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने मुझे हिम्मत भी दी। अगर मेरा बड़े खेल में चयन हो गया तो शायद दादा के मन से कड़वाहट कम हो जाए। लेकिन दादा को पता चलेगा कि मैं खेल में हिस्सा ले रहा हूँ, वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं दोबारा कभी धावक बनने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन साई की बात सुनकर मन कर रहा है कोशिश करने का। इसीलिए असमंजस में हूं, क्या करूं आई? सब एक साथ इतनी रात? साई, हमारी मदद कीजिए, अब हिम्मत साथ नहीं दे रही है। इतने दिनों से काम नहीं है हमारे पास, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, घर में राशन खत्म हो चुका है, बच्चे भूखे हैं। आपके कहने पर हम कुलकर्णी सरकार के पास गए थे फिर से अनुरोध करने कि हमारे बकाए पैसे दे, लेकिन उन्होंने फिर से बेइज्जत करके निकाल दिया। कहा कि हम आपका साथ दे रहे हैं तो मदद भी आपसे ही मांगे। साई, हम वो माँ बाप हैं जिनके बच्चे बह के सूरज के साथ चले गए हैं। हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। कमाने वाली औलाद के न होने से अब तो भूख से मरने की नौबत आ गई है। हमें अब तो बस आपसे ही उम्मीद बची है साई, कुछ कीजिए साई। श्रद्धा और सबूरी रखो, रात बहुत हो चुकी है, अब आप सब घर जाओ। साई ने कोई मदद नहीं की, अब क्या करें हम? पता नहीं। साई के क्या है कौन जान पाए, साईयों 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 साईयों।
भाई के साथ साथ आपका भी आशीर्वाद मिल गया। अब देखना ही, मैं दौड़ूंगा भी। और लेकिन मैंने तो अच्छे से अभ्यास नहीं किया है, क्या मैं जीत पाऊंगा? साई ने हौसला दिया था, उन्हीं से जाकर पूछता हूं कि मुझे जीतने के लिए क्या करना होगा। साई, मुझे आपसे कुछ मेरा एक काम करोगे? ये खिचड़ी लेकर शिरडी की हर गली, हर घर के सामने जाओ और जिस घर के भी बाहर तुम्हें खाली बर्तन दिखाई दे उसमें एक चम्मच खिचड़ी डाल देना। लेकिन याद रहे, वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास, और ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देख ना पाए। जल्द से जल्द ये काम खत्म करके द्वारका में वापस आ जाओ। लेकिन साई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहले ये करो, अब जाओ, वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। ध्यान रहे विशाल, कोई तुम्हें देख ना पाए। रात को तुम्हें यही करना है। मैं तो आपसे बात करना चाहता था एक परेशानी के बारे में। पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उसके बाद तुम्हारी बात सुनूंगा। कल रात फिर आना खिचड़ी बांटने। कल युग में जो यज्ञ बड़ाए दान यज्ञ है जान, अन्न ब्रह्म का दान है। ध्यान रहे विशाल, दाता कोई तुम्हें देख ना पाए। प्यासे की जो प्यास बुझाए
आशीष पाए। मेरी ममता मेरा भरोसा, तेरी थाली में है परोसा, मेरी हांडी का ये अनोखा, जान ले बंदे भेद जरा सा। मेरे हृदय से निकली दुआए, हांडी में है समाए, इस सीढ़ी से बालक मेरा भूखा कोई न जाए। अरे रुको, मैं तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। कौन हो तुम? जिसने चखा है इस हांडी से उसने रहमत पाई। मुझे आपसे कल रात फिर आ जाना। मुझे तो लगा था कि बर्तन में खाना साई के चमत्कार से आया। हाँ, ऐसे बर्तन तो हमने द्वारका माई में देखे थे। मुझे भी यही लगा कि ये सब साई कर रहे हैं, लेकिन वो कोई और है और हम सबको उसे धन्यवाद कहना चाहिए। आज रात को चुपके से हम उसका इंतजार करेंगे। बार भी पकड़ में नहीं आया। नहीं, साईं को जरूर पता होगा कि ये क्या हो रहा है। चलिए द्वारका बैंक चलते हैं। हाँ चलिए। इतने दिनों से रोज यही कर रहा हूँ। आज तो गांव वाले मेरा ही इंतजार कर रहे थे। बहुत मुश्किल से भाग कर आया हूँ। आप मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हैं? और आप क्यों नहीं चाहते कि कोई मुझे देखे? क्योंकि सिर्फ साई है जो सबकी मदद करे और सामने भी ना आए। प्रणाम साईं। हम सबके पास खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए साईं ने तुम्हारे हाथों खिचड़ी भिजवाई। लेकिन मैं तो एक ही चम्मच डालता था। और साईं की कृपा से पूरा बर्तन भर जाता था। लेकिन आपने मुझे ही ये क्यों करने के लिए कहा? विशाल, अपनी गति को लेकर तुम में आत्मविश्वास नहीं है। मैं चाहता था कि तुम दौड़ने का अभ्यास करो। देखते ही देखते गति बढ़ गई तुम्हारी।
जब तुम पहली बार लौटे थे तब ये मटका पूरा भरा था, जब दूसरी बार आए तब आधे से ज्यादा भरा था, और आज आज ये मटका आधे से कम भरा है। अच्छा अभ्यास हुआ। अब से मैं रोज खिचड़ी बांटूंगा। बोलो साई बाबा की जय। 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 बस एक समय का राशन बचा है, पैसे भी खत्म हो गए हैं, और तो और साथियों की हिम्मत भी टूट रही है। हमें कुछ सोचना होगा, नहीं तो इस लड़ाई को दूर तक चलाना मुश्किल होगा। जिन मिल मालिकों ने हमारे साथ धोखा किया है वही हमारा पालन पोषण करेंगे। मतलब आज रात 8 बजे हम मिल लूटेंगे। सभी आदमियों को कह दो कि वो तैयार है। हाँ, ये बात हमारे बीच से बाहर नहीं जानी चाहिए। 2 दिन हो गए हैं हमें यहाँ से ठिकाना बदल लेना चाहिए। लेकिन हम सब कहाँ जाएंगे? किसी भी सुरक्षित जगह। पिताजी, ये तो मिल को लूटने वाले हैं। सरकार को बताना होगा। चलिए चलिए। साई, आई दादा की आजकल बहुत ज्यादा चिंता करती हैं, और आज तो इनका मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। मैंने आई को आज तक इतना परेशान कभी नहीं देखा। साई, दादा कहीं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है? आई आजकल दादा को लेकर बहुत परेशान है, और आज तो इनका मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। मेहनत करके पूरे गांव को खाना बांट रहा है, उसकी आई को मालिक भूखा कैसे रख सकता है? इन्हें खिला दो विशाल। आई को आज तक इतना परेशान कभी नहीं देखा। साई, दादा कहीं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है?
सूरज को देखते ही गोली मारना है, आने दो उसे। अभी तक नहीं आया। माँ का दिल अपनी संतान के सुख दुख के साथ जुड़ा होता है। संतान कितनी भी दूर हो, माँ को यह एहसास होता है कि उसकी संतान किस हाल में है। लेकिन याद रखो, परेशानी आई तो वो अपने साथ राहत भी लाएगी। माई, क्या मैं एक कलम ले सकता हूं? दुख आने जाने हैं, धूप और साए बांधाए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन आशा के दीपक बुझने न पाए, सुबह फिर से आए। साई, इस कलम में तो सालों से स्याही नहीं डाली है। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ पर भाऊ, आपने तो कहा था। जो कहा था उसे भूल जाओ, अब यही हमारी मंजिल है। लेकिन भाऊ, अचानक ये बदलाव कैसे? जब मैं अपनी योजना बता रहा था तब मैंने कुछ देखा। इसीलिए मैंने कहा था मिल, ताकि उनका ध्यान वहां बटा रहे और हम यहां पे तिजोरी लूट के ले जाएं। रुको, अंदर क्या कर रहे हो? गरीबों के दुश्मन को दुश्मनी का मतलब समझाने का वक्त आ गया है। कागज पर जो दिख रहा है, मैं वचन देता हूं कि यह सच होगा। माई, सूरज अहिंसा के रास्ते पर चलेगा, आपके परिवार में खुशियां फिर लौटेंगे। बस श्रद्धा और सबूरी रखो। ए, तुम अंदर कैसे आ गए? बाहर निकलो, निकलो बाहर। देखिए,
मेरे ससुर जी ने गलत किया है, उसकी सजा मुझे मत दो। मैंने तो उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी लेकिन वो माने नहीं। तिजोरी कहाँ है? मेरा चौकीदार है वो। ए, या क्या कर रहा है? सरकार वो सूरज बाड़े में जबरदस्ती घुसा है। क्या? देखिए इसमें मेरे अपने गहने भी हैं। ससुर जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस घर की हर चीज गरीबों का हक मार के खरीदी गई है। केशव, ये क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे डाका डालते हुए? मैं तुम्हें अब तक बहुत आदर्शवादी समझता था लेकिन तुम तो एक मामूली गुंडे निकले। गुंडा नहीं हूं मैं, ये सब तुम्हारे पिता ने करने पे मजबूर किया है। कुलकर्णी के काली करतूतों का परिणाम है ये। उसे भी समझ आना चाहिए कौन हूं मैं। लेकिन मुझे तो एक मजबूर कमजोर उस दिन इज्जत नजर आ रहा है। केशव, हिम्मत वाले होते तो हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते। साईं कहते हैं कि जो कमजोर होते हैं उन्हें अपने आप पे नियंत्रण नहीं होता है, आत्मबल नहीं होता है, अपने पे विश्वास नहीं होता है, वही ऐसी हिंसा का सहारा लेते हैं। कमजोर हूं मैं, अभी दिखाता हूं तुम्हें हिम्मत। बाहर आओ। मुझे मारोगे लेकिन बाजुओं में सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला हिम्मत वाला हो, ये जरूरी नहीं है। हिम्मत वाला वो होता है जो हर मुश्किल का सामना करने के बाद भी सही रास्ते पर चलना ना छोड़े। तुम मेरे दुश्मन के बेटे से ज्यादा एक साई भक्त हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। लेकिन इससे सिद्ध क्या करोगे कि तुम साई की ज्यादा इज्जत करते हो? हिंसा का मार्ग अपना के तुम उनका अपमान ही कर रहे हो। और मुझे पता है कि यहाँ क्या क्या हुआ है। साई ने तुम्हें बचाया है और तुम इतने एहसान फरामोश निकले। नहीं भाव, नहीं, इन्हें मत मारो। ये कभी बुरे इंसान नहीं थे और वैसे भी सारे पैसे लूट लिए हमने। अब चलो यहां से। सूरज बहा,
वाली, हमारे पास गोलियां कम पड़ रही हैं और बाहर जाने के रास्ते में पुलिस ने घेरा डाला हुआ है। पीछे के रास्ते से जा सकते हैं। आप हमारी मदद करेंगे? पक्का फंसाना चाहते हो? बुरे इरादे रखने वाले अच्छाई के सामने अपनी बुराई नहीं छोड़ते, उसी तरह अच्छे इरादे रखने वाले बुराई के सामने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। यही मेरे साई ने सिखाया है मुझे। पीछे के रास्ते से चलो। सुरेश भाई मदद करो। से गोलियां चलनी बंद हो गई है, आगे बढ़े। इंस्पेक्टर साहब चलिए। चलो तुम लोग आगे चलो। केशव बहू, केशव सब लूट कर ले गए, सब लूट कर ले गए, पूरी की पूरी तिजोरी खाली कर दी उन्होंने। तिजोरी में तो हजारों रुपए थे, गहने, सोने चांदी के सिक्के सब ले गए। हाँ सब ले गए वो सूरज। डोंट वरी, गोली लगी है उसे, मर जाएगा या पास के हॉस्पिटल में जाएगा और पकड़ा जाएगा। अरे लेकिन मेरे सारे गहने वापस मिलेंगे या नहीं? वो भी मिल जाएंगे। चलो ये सर। मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत में वो दो घंटे से ज्यादा जिंदा रह पाएगा या जीवित रह सकता है। अगर अगर आओ मेरे साथ। किसलिए साईं? साईं, साईं, वो सूरज को। मैं जानता हूं केशव, और तुम इनसे भी कह सकते हो, क्योंकि मां से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। सूरज को गोली लगी है। साई दादा को बचा लीजिए। माई, सूरज को बचाने के लिए मुझे आपका भी साथ चाहिए होगा। जानता था ये फकीर उस सूरज की अवश्य सहायता करेगा,
लेकिन इसके माध्यम से ही हम उस तक पहुंच सकते हैं। हरिओम। चलो आंखें खोलो सूरज भाऊ। सूरज भाऊ, सूरज भाऊ, भाऊ होश में आओ। कुछ नहीं होगा आपको सूरज भाऊ। सूरज भाऊ कुछ नहीं होगा, कुछ कुछ नहीं होगा मुझे। सूरज भाऊ कुछ नहीं होगा आपको। सूरज भाऊ आंखें खोलो जल्दी। कुछ बचा बेटा, बेटा बेटा इधर। सूरज भाऊ कुछ नहीं होगा। सूरज भाऊ तुम्हें कुछ नहीं होगा। सूरज भाऊ आंखें खोलो भाऊ, होश में आओ भाऊ। बाली हमें सूरज भाऊ को अस्पताल ले जाना होगा। नहीं नहीं अस्पताल नहीं, अस्पताल जाते ही पुलिस को पता चल जाएगा और हम सब पकड़े जाएंगे। भाऊ भाऊ उठो भाऊ। लेकिन बाली हम में से कोई भी गोली निकालना नहीं जानता है, और देखना भाऊ का कितना खून बह गया है। अगर भाऊ को जल्दी इलाज नहीं मिला तो भाऊ दम तोड़ देगा। कुछ भाऊ कुछ नहीं होगा भाऊ, आंखें खोलो भाऊ। गया वो सरकार, लगता है वो फकीर आपको फिर से चकमा दे गया। हरिओम हरिओम। चिंता मत करो, हमारा पीछा करते हुए कोई नहीं पहुंचेगा यहां। साई नाम का एक ही धागा ले जाएगा पार, बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। सहज सरल ये राह भक्ति की, सुखदाई है अपार। बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। ओ साई सा सा बार सत के साई। लेकिन दादा को अभी भी होश नहीं आया। गोली तो निकल गई है लेकिन जख्म अभी भी गहरा है। अब मां की आवाज ही सूरज को ठीक कर सकती है, इसलिए आपको चुप्पी तोड़नी होगी माई। साई आई तो नहीं बोल सकती है, बाबा के जाने के बाद जो सदमा लगा उससे इन्होंने अपनी आवाज खो दी। साई आप तो बड़े बड़े चमत्कार करते, दादा की गोली भी निकाल दी। दादा को आप ही होश में ले आइए। विशाल तुम्हारी आई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है सूरज को बचाने के लिए, इसीलिए मैं तुम दोनों को यहां लाया हूं। अगर सूरज को ठीक करना है तो आपको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी।